हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। बंद करो ये कनो। क्यों? कन्वर लाल, ओ सॉरी अर्चना जी, आज के बाद ये गाना कभी भी मुझ बजवाना। क्यों? तोहफा लाया, मजबूरन मुझे तोहफा लेके आना पड़ता है यहाँ पे। 100 की 1 लाख की पेमेंट होती है, 2 लाख के तो मैं तोहफे बांट देता हूँ। अगली बार जब मैं यहाँ पर आऊँ तो वो वाला गाना बजवाओ। कौन सा? खाली हाथ आए थे हम, खाली हाथ जाएंगे। मजा आ गया। वाह, कैसी है संगीता जी? बिल्कुल ठीक। आप तो मिस इंडिया रह चुकी हैं। जी। मैं आपको इस शो पे रैंप वॉक दिखाऊं? हाँ। बिल्कुल दिखाइए। अभी दिखाता हूँ। बेटे तुमको यहाँ से जाना है, लेकिन एक शर्त है। क्या? वापस कभी भी मत आना। ठीक है, जाओ जाइए, देखिए रैंप वॉक। वाह 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 वाह, क्या बात है। अरे वाह, इतनी खूबसूरत हीरोइनों को पास से देख के इसकी आंखों में खून आ गया, देखो लाल लाल। भाई साहब मैं आपको बता दूं, मैं जीतू जी की मिमिक्री कर रहा हूं। हाँ। क्योंकि बाकी सबको तो मैं सफेद कपड़े में नजर आ रहा हूं। हाँ। सिर्फ इन्हीं को लाल कपड़ों में नजर आ रहा हूं। अरे वाह, मम्मी भी आई हुई है, क्या बात है। मम्मी आप हमेशा कहती रहती हैं कि कपिल मेरा लाल है। हाँ। वो लाल आज सिर्फ इसी को लाल नजर आ रहा हूं। कपिल जी। हाँ। जीतू रहो। अर्चना जी। हाँ। जीतू रहो। थैंक यू। जीतू जी प्रणाम। जीतू जी, जीतू रहो। जीतू जी गर्मी बहुत है, आप सत्तू पीतू रहो। मैं अब अपना एक्ट कर लूं। जीतू जी आप पक्का डिस्टर्ब तो नहीं करोगे? प्रॉमिस करो। ओके प्रॉमिस। क्या बात है, वाह। आज यहाँ पर पूरा का पूरा बॉलीवुड आया हुआ है। 70s का हीरो, 80s की हीरोइन, वो 90s की हीरोइन। 90s की कहाँ है वो? वो 1990 की हीरोइन है। तो मैं शुरू हो गया। पीने का वर्षा जी इनको इतना शौक है कि कल मैंने इनकी चाय टेस्ट की, इतनी स्ट्रांग थी कि उसमें भी मुझे सोडा डाल के पीना पड़ा। लेकिन आप दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, अर्चना जी ने पीना बंद कर दिया है। थैंक यू। क्योंकि इनको पता चल गया है पीने से ज्यादा फायदा बेचने में है। वाह, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। मुझे क्या बात, पता नहीं चल रहा आप कहाँ देख रहे हैं उस गॉगल से। मैं क्या निकाल देता हूँ ना, फिर कृष्णा लगता हूँ मैं, इसलिए थोड़ा। मैं कैरेक्टर में रहूंगा। प्लीज प्लीज, वर्षा उस गांवकर जी के लिए जोरदार तालियां हो जाए। थैंक यू सो मच। वाओ वर्षा जी, आप तो क्या बात है, कितनी फिट है, कितनी पतली दुबली है। हाँ तो? अरे तो क्या, ये लोग सब बकवास करते हैं। क्या? कल कोई वहाँ पर कह रहा था कि भारी वर्षा की वजह से क्रिकेट मैच रद्द। किधर भारी है, इतनी पतली दुबली है। कमाल है, आपने तो मराठी फिल्में भी कमाल की है। मराठी फिल्मों की सुपर स्टार है वर्षा जी यार, कमाल। माला पन मराठी है तो बोलायला ससा ससा दिसतो कसा, कापूस पिंजलून ठेवलाय लान लान डोळे छान, लानचे पूत मोठे कान। मैं सब बोल लेता हूँ। आप ससा दिख रहे हैं अभी। थैंक यू मैडम, लेकिन मैं क्या बताऊं मैडम, मैं जितनी हीरोइनें रही हैं आपकी टाइम की, मैं एक चीज कहना चाहूंगा, वर्षा जी काफी एडवांस्ड रही हैं। कैसे? इन्होंने 92 में हनीमून की और 2000 में शादी। की के नहीं की आप लोगों को बताइए। नहीं लेकिन मैम मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ, आपने 2000 में शादी की। हाँ। यार कैसे हो गया,
मेरे पोते का मुंडन 5 लाख खर्चा हुआ था। 2000 खैर वर्षा जी, मुझे पता था कि आप आएंगी तो संगीता जी साथ में जरूर आएंगी। क्यों? क्योंकि जहां पर वर्षा होती है वहां बिजलानी जरूर गिरती है। बिजली, बिजली। वाह मजा आ गया। वाह जी तुझे। क्या बात है, क्या लग रही हो आप भी, क्या लग रहे हो? थैंक यू। बिल्कुल स्मार्ट लग रहे हो इस सफेद सूट में, सफेद मोजे, सफेद जूते। क्या बात है, मजा आ गया। आप सफेद लग रहे हो। मजा आ गया। मैंने और संगीता जी ने पता है कपिल जी कितना काम किया। अच्छा? बहुत काम किया हम लोगों ने। आज आपके साथ बैठा हूँ तो वो वाली पुरानी फिल्म ताजा हो गई। कौन सी वाली? हातिम ताई। हाँ। कमाल है, देखो आज परी भी यहाँ पर है, हातिम भी है और ताई भी बैठी हुई है। शुक्र है ताऊ नहीं बोला। क्या बात है, लेकिन उस फिल्म से मैंने बहुत कुछ सीखा। क्या सीखा? उसमें वो सीख थी ना, क्या? नेकी कर। हाँ। मैंने आज ही नेकी की है कपिल जी। अच्छा? हाँ, आज मैं घर से निकला अर्चना जी। हाँ। एक भूखा देखा मैंने सड़क के ऊपर, वो बेचारा खाने को तरस रहा था। हाँ। फिर से बोल क्या? वो बेचारा खाने को तरस रहा था। क्या सुर है। वो प्लेन की लैंडिंग आराम से होती है ऐसे करके, वो बेचारा खाने को तरस रहा था। मैंने उसे पेट भर खाना खिलाया कपिल जी। फिर ऐसे हाथ जोड़े और पानी में डाल दिया। पानी में क्यों धक्का दे दिया? क्योंकि उस फिल्म से मैंने सीखा था, क्या? नेकी कर दरिया में डाल। जीतू जी, उसका मतलब था कि किसी का भला करो, नेकी करो, लेकिन किसी को मत बताओ, ये थोड़ी धक्का दे दो। हाँ तो मैंने किसी को नहीं बताया। ये तो फ्लो फ्लो में ऐसे ही निकल गया भाई। वैसे आपने कमाल कमाल की फिल्में की हैं संगीता जी। जी जी। वो आपकी एक फिल्म थी गेम। जी। वो कमाल की फिल्म थी, बहुत मजा आया था। मुझे भी आपको पता है गेम खेलने का बहुत शौक है। कौन सा गेम? मैं वो खेलता हूँ, वो फुटबॉल। जानते हैं? नहीं, इसलिए मैंने इसलिए किया क्योंकि जब मैं जीतता हूँ ना तो लोग ऐसे ताली बजाते हैं। अच्छा। मैं आपको एक चीज बताऊँ, फुटबॉल गेम मैं कभी भी नहीं आ रहा, पूछो क्यों? क्यों? क्योंकि मैं जीतू। लेकिन हरी हरण जो है वो जब भी खेलता है वो हार जाता है। क्यों? क्योंकि वो हरण है इसलिए। नहीं, उसको फुटबॉल खेलना नहीं आता, क्या है? वाह, बापरे। अरे क्या बात है, एकता का फोन। अच्छा, क्या कह रही है? हाँ रशीद भाई, सलाम वालेकुम। हाँ, अरे क्या बात है, अरे वाह, मुबारक हो, मुबारक हो। वाह, आप तो कह रहे थे एकता का फोन है। आप फोन एकता का है, कॉल तो रशीद का आया था ना। रशीद का फोन आया था, कमाल हो गया। क्या कमाल हो गया? रशीद का एक बच्चा हुआ है कमाल, इसलिए मैं कह रहा हूँ कमाल हो गया, कमाल हो गया। अरे बता, कमाल हो गया। अरे बता दिया आपने, कमाल। नहीं नहीं, ये असली वाला कमाल हो गया। अच्छा, कैसे? क्या? मेरा जो दोस्त है रशीद, हाँ। वो अमेरिका में रहता है, हाँ। और उसकी जो बीवी है, हाँ। वो यहाँ भांडुप में रहती है, हाँ। 6 साल से वो लोग मिले ही नहीं है, फिर भी कमाल हो गया, कमाल हो गया, कमाल हो गया। वैसे कपिल जी, जी अगर तेरी इजाजत हो। कपिल जी, कपिल तेरी इजाजत। मैं दोनों प्यार बहुत करता हूँ। अगर बेटा तेरी इजाजत हो, हाँ। गर्मी बहुत है, हाँ। मैं फूंक मार सकता हूँ, हाँ। मारूं? बिल्कुल। मंदाकिनी जी, ओ थैंक यू। मंदाकिनी जी, क्या आप मेरे साथ डेट पे चलेंगी? आप फ्लर्ट कर रहे हैं उनके साथ? हाँ तो क्या हुआ। अगर मैं फ्लर्ट कर रहा हूँ तो क्या हो गया? कहाँ पर लिखा है कि सफेद कपड़े में आदमी फ्लर्ट नहीं कर सकता? कहाँ लिखा है मुझे बताओ,
तो ये भी कहाँ लिखा है कि सफेद कपड़े वाला आदमी फ्लर्ट कर ही सकता है? चैलेंज कर रहा है तू मुझे? ये देख मैं बताता हूँ कहाँ लिखा है। ये देख यहाँ लिखा है, ये देखो सफेद कपड़े में आदमी फ्लर्ट कर सकता है। ये अब अगर किसी ने मुझे टोका तो उस पे कानूनी कार्रवाई होगी, मैं बता रहा हूँ। जीतू जी, आप ये हमेशा सफेद कपड़े क्यों पहनते वैसे? सफेद कपड़े? हाँ। क्या बात है बेटा, ये मैं अक्षय कुमार क्यों बन गया बीच में? जब आवाज खराब हो जाती है, मेरे में बहुत सारा टैलेंट है, मैं कुछ भी बन जाता। 50 साल हो गए मुझे इंडस्ट्री में, मैंने आज तक ये बात किसी को नहीं बताई। सफेद कपड़े क्यों? मैं एक्चुअली ये किस्सा शेयर करना चाहूंगा आप सबके साथ में। मैं जब अपने गांव से हीरो बनने के लिए निकला तो मेरे पास 3 बैग थे। अच्छा। ट्रेन आई, जल्दबाजी में मैं एक ही बैग रख पाया। और बाकी? बाकी सब बढ़िया। तू बता कैसा चल रहा है? अरे मैं पूछ रहा हूँ कि सफेद कपड़े क्यों पहनते, बात ये हुई थी ना? वो तो मैं बताई नहीं। सॉरी, एक्चुअली एक ही बैग था मेरे पास, वो लेकर मैं बॉम्बे सेंट्रल उतरा। हाँ। मैं जैसे खोली में जाके मैंने बैग खोला। हाँ। उसमें 7 जोड़ी कपड़े थे। अच्छा। 3 जोड़ी व्हाइट थे। और बाकी? बाकी सब बढ़िया। बताया ना यार, कुछ कमाल कर रहा है। अरे मैं सफेद क्यों पहनते हो? जब तुझे पता है मेरे पास इस बात का जवाब नहीं है तो क्यों बार बार बीच में बात की पूछे जा रहा है, पूछे जा रहा। मैं चलता हूँ, बाय। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।